हम बात कर रहे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ अनिल लोढ़ा जी से। अनिल जी, इस पूरे चुनाव परिणाम के क्या निहितार्थ निकलते हैं? देखिए, इस नतीजे में बहुत सारी बातें तो कही जाएंगी कि साहब मोदी मोदी हो गया पूरा देश, जी एक महानायक ने पूरे देश को सम्मोहित कर लिया, एक महानायक ने जाति पाति के सारे भेद तोड़कर, सारी सीमा रेखाएं तोड़कर वोट देने के लिए, पॉलिटिकली वोट देने के लिए लोगों को प्रेरित कर दिया, और लोग जाति पाति की तोड़ करके और वोट देकर आए, पॉलिटिकली देश के लिए दे के आए, देशभक्ति के लिए दे के आए, जो भी समझ लो। जी दो बातें इंपॉर्टेंट हुई है इस देश में, इस चुनाव में। एक तो जो चंद्रबाबू नायडू पूरे देश में घूम घूम कर प्रतिपक्षियों को एक करने की बात कर रहे थे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी को आंध्र प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिली अभी तक, बढ़ बढ़त नहीं है एक भी सीट, जी और सारी की सारी सीटें वाईएसआर कांग्रेस ले गई। वाईएसआर कांग्रेस कौन है? जगन रेड्डी, जो वाईएसआर रेड्डी के बेटे जो मुख्यमंत्री थे किस समय में कांग्रेस सरकार की आंध्र प्रदेश में, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उनके बेटे को राजनीतिक वारिस नहीं माना कांग्रेस ने, और अन्य अन्य लोगों के कहने से उन्हें साइडलाइन किया जाता रहा कांग्रेस आलाकमान के द्वारा, तो वो कांग्रेस का एक टुकड़ा अलग लेके बैठे। इस चुनाव के पहले भी एक बार कोशिश हुई कि वो शायद कांग्रेस के साथ वापस जुड़ जाएं, जी पर कांग्रेस आलाकमान ने उनकी नहीं सुनी, स्थानीय नेतृत्व ने आंध्र प्रदेश की कई ने मना कर दिया होगा, जो भी कहा होगा सुना होगा, पर चूंकि कांग्रेस में गांधी परिवार के प्रति निष्ठावान होना सबसे प्रमुख बात है, और जगन रेड्डी एक बार बगावत का सुर करके बाहर निकल चुके थे, आज सारी की सारी सीटें वाईएसआर कांग्रेस को मिली, कांग्रेस भी खत्म और नायडू भी खत्म। चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर होते हुए सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव हार रहे हैं। खबरें कहीं से आ रही हैं कि शाम तक हो सकता है वो इस्तीफा भी दे दें। हाँ, दे सकते हैं, दे सकते हैं। और विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बुरी तरह हार गई जी, नहीं लेकिन अब वो देखना पड़ेगा क्या करते हैं जी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो ममता बनर्जी से मिल रहे थे, मायावती से मिल रहे थे, राहुल गांधी से मिल रहे थे, एक से शरद पवार से, शरद यादव से, सबसे मिलके कह रहे थे कि वोट नतीजे आने पर हमें सरकार बनानी है, हमें ये करना, हमें वो करना है, वो खुद उनकी लुटिया डूब गई अपने आंध्र प्रदेश में, एक बात। दूसरी बात, ममता बनर्जी हालांकि वो सर्वाइव कर पाई हैं, बीजेपी ज़्यादा सीटें आई उनके पास, लेकिन जैसा मैंने 3-4 दिन पहले कहा था कि वहां पर लाल झंडे के वोटरों ने भी भगवा झंडे को वोट दे दिया है जी, ममता बनर्जी को धराशायी करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे कम्युनिस्ट नेता नहीं मुकाबला कर सकते ममता बनर्जी का, और ममता बनर्जी को गिराए बिना कम्युनिज्म वापस नहीं आ सकता या उनका राज वापस नहीं आ सकता। सो फॉर ममता बनर्जी इज कंसर्न, वो वापस कम्युनिस्टों को नहीं आने देगी, तो सारे ममता विरोधी एकजुट होकर बीजेपी के साथ खड़े हो गए। उन्हें लगा बीजेपी मुकाबला कर पाएगी, तो 18-19 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे है या जीत रही है, तो वो ममता बनर्जी कि पार्टी तृणमूल कांग्रेस 22-24 पे होगी, लेकिन इस जीत को मैं जीत नहीं मानता ममता बनर्जी की जी। अगर 18-19 सीटें भाजपा ले आती है वहां पर तो ये भाजपा की जीत है, और ये दो रिमार्केबल रिजल्ट हैं इस देश की राजनीति में कि पहली बार कम्युनिस्ट वोटर ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया ममता बनर्जी को धराशायी करने के लिए जी। और वाईएसआर कांग्रेस चंद्रबाबू नायडू के मुख्यमंत्री होते हुए टीडीपी से सारी सीटें छीनकर ले आई, जिसका कि कांग्रेस ने किसी दिन अनादर किया था, जगन रेड्डी, वो जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष भी और वाईएसआर रेड्डी के बेटे भी जो चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस सरकार में कभी आंध्र प्रदेश में जी। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि ये ममता बनर्जी भी कभी कांग्रेस में थी, बिल्कुल राष्ट्रीय नेतृत्व ने इनका अनादर किया, इनकी नहीं सुनी, कम्युनिस्टों के साथ समझौता करते रहे, अंत में कांग्रेस खत्म हो गई पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी मार्क्सवादियों से मोर्चा लेते हुए खड़ी हो गई। बंगाल की साइकोलॉजी है, मार्क्सवादियों से तंग थे, जो उनसे मोर्चा लेता लोग पोलराइज हो जाते, उसके साथ ममता के साथ पोलराइज हो गए। अब ममता की तृणमूल कांग्रेस से कोई दुख पहुंचा है लोगों को, तो वो जो मोर्चा लेने वाली पार्टी है उसको देखा नहीं कि वो भगवा झंडे वाली पार्टी, सीपीएम के सीपीआई के लाल झंडे वाले सारे उधर टूट पड़े, तो वहां पे फिर वोट पोलराइज हो गया ममता के खिलाफ। कांग्रेस का ही एक हिस्सा थी ममता बनर्जी, कांग्रेस का एक हिस्सा थे वाईएसआर रेड्डी, कांग्रेस का एक हिस्सा थे अजीत जोगी, और किसी जमाने में शरद पवार भी कांग्रेस के हिस्से थे। तो कांग्रेस के जो लोग टूट टूट कर अलग होते गए, क्षत्रप
अपने अपनी जमीन से जुड़े हुए लोग, उन्हें हमेशा दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के नेतृत्व ने दरबारियों के कहने से, कान भरने वालों के कहने से, जी हजूरों के कहने से नकारा। जमीन से जुड़े हुए लोग अलग होकर पार्टी बनाते चले गए, कांग्रेस का ग्राउंड लूज होता चला गया और कांग्रेस के लोग अपने चारों तरफ खुशामदियों के कहने में, खुशामदियों की जय जयकार में सही दृश्य को देख नहीं पाए, जमीन की हकीकत को पहचान नहीं पाए। क्या इस पराजय के बाद कांग्रेस का नेतृत्व इसका सिंहावलोकन करेगा, इसका आत्मविश्लेषण करेगा, इसका विवेचन करेगा और पार्टी को, जो इस पर आरोप है कि कुनबे की पार्टी होती जा रही है या हो गई है जी, उसे एक पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल देने की कोशिश करेगा, राजनीतिक रूप से वाइब्रेंट और जीवंत पार्टी बनाने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा, ये इस चुनाव के नतीजे से पता लगेगा और इसी से तय होगा कि भविष्य में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस मुख्य प्रतिपक्षी दल रहेगी या कि नहीं रहेगी। जी अनिल जी, अगर हम बात करें राजस्थान की, तो 2014 में भी 25 की 25 और इस बार भी मिशन 25 में करीब करीब कामयाब होती दिखाई दे रही है भाजपा। देखिए 2014 में जो 163 सीटें बीजेपी को विधानसभा मिली थी, भले इसका श्रेय कोई भी ले, उसका श्रेय भी नरेंद्र मोदी को जाता है, क्योंकि दिल्ली में नरेंद्र मोदी को लाना था तो वो फाइनल के पहले सेमीफाइनल था जी, और झोली भर के नरेंद्र मोदी को वोट देने के नाम पर वसुंधरा राजे को सीएम बना दिया 163 सीटों पर, और 3 महीने बाद चुनाव थे लोकसभा के, 3-4 महीने में, तो लोकसभा में चूंकि नरेंद्र मोदी को बनाना था इसलिए नरेंद्र मोदी के साथ चले गए 25-25 सीटें। 5 साल के कामकाज के बाद जब वसुंधरा राजे उन 163 सीटों की जीत को या तो खुद नहीं पचा पाई या उनकी पार्टी के लोग नहीं पचा पाए, यूनुस खान जैसे लोग, रायन राठौड़ जैसे लोग, प्रभुलाल सैनी जैसे लोग जो इर्द गिर्द इनर कोटरी में थे, या कि तन्मय कुमार जैसे ब्यूरोक्रेट जो सरकार चला रहे थे, उनके जो भी कार्य थे, जो व्यवहार थे जनता के साथ, उसका नतीजा था कि वसुंधरा राजे को मैं बड़ी कैरिस्मेटिक लीडर मानता हूँ। उनके पास ओज है, उनके पास आवाज़ है, उनके पास सोच है, सब है, लेकिन वो ऐसी चौकड़ी से घिर गई थी जिस चौकड़ी ने अपने हितों को साधने में उनकी छवि को खराब करने का भी ध्यान नहीं रखा, छवि को बचाने का भी ध्यान नहीं रखा। अल्टीमेटली वो मुहावरा प्रसिद्ध हो गया, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। विधानसभा चुनाव में भी आदमी मोदी के खिलाफ नहीं था, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर के रूप में जो चेहरा पेश किया गया था उसको नकारना चाहता था, और कई लोकल फैक्टर भी थे, कई बगावत हुई, कहीं निर्दलीय जीते, सब मिलाकर वातावरण ये बना कि वसुंधरा राजे को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना था राजस्थान की जनता को दोबारा, तीसरी बार मतलब, उन्होंने नहीं बनाया जी। और गहलोत जी को तीसरी बार बनाना चाहते थे, तीसरी बार बना दिया। अब चूंकि देश का नेता चुनना है, देश का प्रधानमंत्री चुनना है, देश के मुद्दे और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुत्व और देशभक्ति, राष्ट्रवाद, ये सब बातें बेकार है। उज्ज्वला योजना, ये योजना, मकान बना दिए, शौचालय बना दिए, सब किया होगा, हर सरकार ने कुछ ना कुछ किया है। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जिसकी वजह से आज ये बैंक में खाते खुलवा पा रहे हैं, इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स बंद किए, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, 20-30 कार्यक्रम दिया, राजीव गांधी ने पंचायतों का, लोकसभा और नगर निगमों का चुनाव हर 5 साल बाद हो, उसमें महिलाओं का आरक्षण हो, 18 साल की युवाओं को मतदान का अधिकार, ये सब चीज की हर सरकार कुछ ना कुछ करती है, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटिकली कुछ भी कहें, इसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। हर सरकार ने अपने समय में कुछ ना कुछ उस देश काल परिस्थिति के हिसाब से किया है, लेकिन देश के सामने जो एक मुद्दा खड़ा कर दिया गया वो पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद से लड़ाई, पाकिस्तान से लड़ाई, हिंदुत्व और देशभक्ति, और उसके खिलाफ लड़ने वाला आदमी मजबूत चाहिए, 56 इंच के सीने वाला चाहिए, ऐसा चाहिए जो आवाज़ दे तो पाकिस्तान कांप जाए। अब वो कांप रहा है, नहीं कांप रहा है इमरान खान, ये तो कोई देखने नहीं गया जी। पर हमारा मीडिया भी इमरान खान हिला और पाकिस्तान मतलब वो सब, हाँ वो सब, हम भी शामिल हैं इसमें अभियान में जी। लेकिन फिलहाल देश ने नरेंद्र मोदी की बहादुरी पर, उनकी दृढ़ता पर और उनकी सम्मोहक शक्ति पर आकर वोट दिया है। वो चुनाव को उस जोन में ले गए थे जहां उनके सामने चुनौती देने वाला कोई नहीं था, देश के पास कोई दूसरा विकल्प, दूसरा नेता नहीं प्रस्तुत कर सका विपक्ष कि इनके मुकाबले इस आदमी को वोट दो, इस आदमी के हाथ में देश सुरक्षित रहेगा। बहुत सारे लोग मैं जानता हूं जो नरेंद्र मोदी से असहमत होते हुए नरेंद्र मोदी को वोट दे के आए, ये कहते हुए देश के सामने विकल्प क्या है जी। हम ये तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते ना देश को असुरक्षित,
हाथों में सौंप दें, ऐसे हाथों में जो हाथ दिख ही नहीं रहे अभी किसके हाथ हैं, उसके लिए एक कल्पना करके दे दें कि साहब ये ममता बन जाएगी या मायावती, ये नहीं होता है। देश को एक लीडर चाहिए जिसके हाथों में देश की सुरक्षा का भरोसा देशवासियों को हो, जो नरेंद्र मोदी दिला पाए, दूसरा कोई नहीं दिला पाया। इसकी वजह से इतना बड़ा मैंडेट बीजेपी को मिला है, ये बीजेपी का वोट नहीं है, पूरी तरह नरेंद्र मोदी का वोट है। एक चुनाव जो संसदीय लोकतंत्र का चुनाव था वो अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन में तब्दील हो गया, जैसे ट्रंप को वोट देते हैं, जैसे कैनेडी को वोट देते हैं, जैसे रोनाल्ड रीगन को वोट देते हैं, ऐसे मोदी को तो पूरे देश ने वोट दे दिया।